मुजफ्फर शाह शेख के टेस्ट ये कॉल दी गई थी पीएचडी के सरबराह की हैसियत से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, और जैसा कि आप सबको मालूम है, आपने खुद भी ये देखा होगा कि उनको नज़रबंद किया गया है, उनके घरों के बाहर पुलिस की पहरेदारी है, उनके गेट बंद किए गए हैं। हमारे जमात चूँकि हमारे सदर उसके सरबराही कर रहे हैं, तो उनसे यकजहती के लिए हमारे साथी भी जमा हो गए थे उनके साथ शाना बशाना इस सिटन पुरअमन प्रोटेस्ट में शमूलियत करने का और अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि ये सरकार किसी भी तरह की जो है नाराज़गी न सुनने के लिए तैयार है, न बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, और एक बिल्कुल जो है अजीब सा माहौल यहाँ खड़ा कर रहे हैं, जिसके नतीजे बिल्कुल सही नहीं निकलेंगे। एक जमहूरी अमल के लिहाज से उनको आज का ये जो है प्रोटेस्ट ये अलाउ करना चाहिए, देना चाहिए था, और इसमें कोई गहरानी आईनी बात तो नहीं कहनी थी। हम यही चाहते थे कि डिलिमिटेशन कमीशन को ये बावर कर सके कि ये जो उनका अभी हालिया का फैसला है उस पर वो गौर करें, और जो है पॉपुलेशन के तनासब के मुताबिक ही नई सीटों का ऐलान। से हम पहले से कहते आ रहे हैं जो हमारे हकूक छीने गए हैं उनको जो है दोबारा बहाल किया। जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्यों का जवाब आपने उनसे लेना पड़ेगा जो इस वक्त इख्तदार की कुर्सियों पे बैठे हैं। हम तो यही आप तक आपके ज़रिए से और अपनी आवाज़ जितनी छोटी मोटी है पहुँचाना चाहते हैं कि आप जमहूरियत के तकाज़ों को बहाल रखिए, जमहूरियत की जो है पासवानी कीजिए, जमहूरियत में जो दर्ज है, जो हमारे आयूनी हैसियत है मुल्क में, उस पर ऐसे कदगन ना लगाइए। जनाब मैं तो ये कहूँगा कि प्रोटेस्ट जमहूरी तर्ज पे पुरअमन तरीके से हर किसी को करने देना चाहिए। क्या आपको लगता है मुल्क में जनाब खतरा, जितना आप कोशिश करेंगे आवाज़ दबाने की 10 आवाज़ें और उभरेंगी, और फिर रोकना किसी वक्त ऐसा मौका आता है कि फिर इन सब आवाज़ों को दबाना मुश्किल हो जाता है। इससे बड़ा काबिलस वक्त होगा जब तक हमारे लीडरान बाहर ना आए। उमर साहब बंद हैं, डॉक्टर साहब को हाउस अरेस्ट रखा है, हमारे अपने जनरल सेक्रेटरी साहब नहीं पहुंच पाए, मेरे जूनियर साथी नहीं पहुंच पाए। मैं शुक्रगुजार हूँ उन साथियों का जिन्होंने पता नहीं कैसे कोशिश करके यहाँ तक ही आए हैं। मुझे मुश्किल से आप सुबह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब यहाँ आके पहुँचा हूँ आपके सामने। एडमिनिस्ट करते हैं वो अपना जवाब खुद।